अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर सिक्स की तरफ जिसमें हमारे पास एक चर्च ऑर्गन पाइप्स की कंडीशंस गिवन स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखना है कि उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाले जो नोट्स नोट स्टूडेंट्स उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी आइए देखते हैं अ अच्छा, चर्च ऑर्गन कॉन्सिस्ट ऑफ पाइप्स ईच ओपन वन एंड हर पाइप का जो एक हैंड स्टूडेंट्स वो ओपन है हर जो हमारे पास पाइप्स पाइप स्टूडेंट्स उनकी डिफरेंट लेंथ्स हैं जो मिनिमम लेंथ होगी स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्गन पाइप की वो है थर्टी मिलीमीटर और जो लॉन्गेस्ट है वो है फोर मीटर हमने यहाँ पर फ्रीकुंसी रेंज को कैलकुलेट करना है जब फंडामेंटल नोट्स प्रोड्यूस होंगे स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है नॉन वैल्यूज में मिनिमम लेंथ ऑफ चर्च ऑर्गन पाइप हमें गिवन है मैक्सिमम लेंथ ऑफ चर्च ऑर्गन पाइप हमें गिवन है स्पीड ऑफ़ साउंड हमारे पास है स्टूडेंट्स 340 मीटर पर सेकेंड अन नॉन वैल्यूज़ जो फाइंड करनी है फंडामेंटल फ्रिकुनसीज़ एफ़ वन सेकेंड फंडामेंटल फ्रिकुवेंसीज़ एफ़ टू यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है वी इज इक्वल टू एफ लंदा ये स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने का फार्मूला है लेट द चर्च ऑर्गन पाइप इज ओपन फ्रॉम वन एंड हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया एक एंड से ओपन है सो एल दैन विल बी इक्वल टू लेमदा बाय फोर विच गिव्स लेमदा इज इक्वल टू फोर एल फॉर मिनिमम लेंथ मिनिमम लेंथ के लिए क्या होगा एफ इज इक्वल टू वी अवर लैमदा विच इज इक्वल टू वी अवर फोर मल्टीप्लाई बाय वन अवर एल वन वैल्यूज को पुट करते हैं पुटिंग वैल्यूज वी गेट वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास फॉर्मूले के अंदर जो चेंजेस होंगे वो क्या है एफ इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी डिवाइड बाई फोर मल्टीप्लाई बाय डि जीरो पॉइंट जीरो थ्री सॉल्व करते हैं एफ विल बी इक्वल टू टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थर्टी थ्री पॉइंट थ्री राउंड ऑफ करेंगे सो एफ विल बी टू टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थर्टी थ्री हर्ट्स नाउ फॉर मैक्सिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ के लिए क्या करेंगे एफ इज इक्वल टू वी अवर फोर मल्टीप्लाई बाय वन आवर एल टू वैल्यूज पुट करते हैं एफ इज इक्वल टू थ्री फोर्टी डिवाइड बाय फोर मल्टीप्लाई बाय वन बाय फोर एफ इज इक्वल टू ट्वेंटी वन पॉइंट टू फाइव हर्ट्स सो राउंड ऑफ करने के बाद ट्वेंटी वन हर्ट जो है हमारे पास स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी आ जाएगी फॉर द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप सो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड के फार्मूले की मदद से जो रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसीज थी फॉर मैक्सिमम लेंथ एंड फॉर द ओपन एंड ऑर्गन पाइप हम लोगों ने फाइंड की थैंक यू